अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फोन विद लाइफ। आज मैं रिव्यू करूंगी हुआवे मेट 20 प्रो की। ये एक ऐसी डिवाइस है कि इसमें आपको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो कि अभी तक आपको किसी और डिवाइस में नहीं मिली थी, चाहे वो फ्लैगशिप डिवाइस हो चाहे वो मिड रेंज डिवाइसेज हो। क्योंकि आपको पता है कि फ्लैगशिप डिवाइसेज में हमें बहुत से इस तरह के फीचर्स मिलते हैं, उनको अपडेट किया जाता है जब नेक्स्ट मॉडल आता है। लेकिन मेट 20 प्रो के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें वो फीचर भी मौजूद हैं जो कि पहले किसी भी फ्लैगशिप डिवाइसेज में आपको नहीं मिले थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन, बॉडी एंड लुक्स की बात करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा वो इसकी बॉडी एंड डिजाइन में ही मिलेगा। ऑफ कोर्स आपने क्वाड कैमरा के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये वो मॉडल है Huawei Mate 20 Pro, एंड इसमें आपको तीन ट्रिपल कैमरास मिलेंगे और एक जो आपको मिलेगी वो होगी LED फ्लैश लाइट। तो इसकी शेप से आपको पता चल गया होगा कि ये इसको रेक्टेंगुलर कैमरा क्यों कहा जाता था। वेलवेयर्स बात करते हैं इसके बॉडी डिज़ाइन की, तो यह है ग्लास बॉडी का, लाइक आपको बैक पे भी ग्लास मिल रहा है, फ्रंट पे भी ऑफ कोर्स विद एल्युमिनियम फ्रेम। एंड ये डिवाइस है 6.3 इंच की डिवाइस। इसमें अमोलेड पैनल जो है वो यूज़ की गई हैं, और इसके साथ तो रेजोल्यूशन 1440x3120 के साथ ये मॉडल आया है। एंड इसकी जो PPI है वो 538 है, एस्पेक्ट रेशो है 19.5:9। तो ये इसके डिज़ाइन एंड लुक्स की बात थी। अब इसकी एक और मेन चीज़ के बारे में बताती चलूँ, तो आपको जैसे कि नज़र आ रहा है इसकी बॉटम पे बिल्कुल आपको सिर्फ एक USB टाइप सी मिल रहा है, तो इसी में लाउड स्पीकर भी फिक्स कर दिए गए हैं। एंड आपको एक और चीज़ का भी जो है वो डिफरेंस यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ऑडियो जैक मौजूद नहीं है, तो इसी टाइप सी को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपने हेडफोन जैक कनेक्ट कर सकते हैं। और यहीं पर आपको बॉटम पे सिम ट्रे भी नज़र आ रही है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि Huawei Mate 20 Pro में एक और डिफरेंस भी दिया गया है। लाइक आपको तो पता ही है कि नैनो सिम तो आप यूज़ करते ही हैं, लेकिन Huawei Mate 20 Pro में आप नैनो माइक्रो SD कार्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अब ये नहीं पता कि ये नैनो माइक्रो SD कार्ड कब अवेलेबल होगा और कैसा होगा, क्योंकि पहली दफ़ा हम Mate 20 Pro में ही देखेंगे। इसके साथ आपको इसके साइड्स जो नज़र आ रहे हैं, उसके बेजल जो हैं टॉप और बॉटम पे बिल्कुल सेम दिए गए हैं। वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ कि Huawei Mate 20 Pro का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लाइक जितने भी हमने मेट सीरीज़ देखे हैं या Huawei के और मॉडल्स देखे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज हैं। इसके हम फीचर्स तमाम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये रिव्यू मैं शॉर्ट सा बनाऊँगी, क्योंकि मैं आपके लिए कैमरा जो कैमरा रिजल्ट है इसके उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी, इसकी स्लोमो की अलग से वीडियो बनाऊँगी, बाकी इसकी टॉप जो फीचर्स हैं 10 उसको अलग से मैं डिस्कस करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसके प्लेटफॉर्म के बारे में बात बताती जाऊँ, तो इसमें है एंड्रॉइड 9.0 एंड्रॉइड पाए यानी कि, एंड इसमें जो चिपसेट यूज़ की गई है वो 7 नैनोमीटर बेस्ड किरन 980 यूज़ किया गया है। अब किरन 980 के बारे में मैं ये बताते चलूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोसेसर है। लाइक अगर मैं 845 की बात करूँ तो इसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है, ये 850 के मुकाबले में आती है 980। प्रोसेसर वाइज बहुत अच्छा है, और इसमें जो CPU है वो है एक्टोकोर 2x2.6 GHz, और ये बेस्ड है कॉर्टेक्स A76 पे। इसकी GPU की बात करते हैं तो ये माली G76 के साथ आया है, तो नो डाउट इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको देखने हैं इसके रिजल्ट, लाइक इसके कैमरे से आप आइडिया लगा लें इसके रिजल्ट से, एंड जो गेमिंग इसमें मैं कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं। कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो सिम दो नैनो सिम जैसे कि इसमें यूज़ होती हैं, एक आप माइक्रो SD कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि नैनो है, एंड नैनो सिम के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये 6 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ रोम के साथ आई है, तो आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256 GB तक। अब चलते हैं इसके जो बैक कैमरे की तरफ, सबसे पहले मैं चलती हूँ जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इसमें जैसे कि ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, तो 40 MP का आपको मिल रहा है एक कैमरा जो कि प्राइमरी कैमरा है विद F1.8 अपर्चर, तो ये आपको मेन जो कैमरा मिल रहा है वो है 40 MP। एंड इसके साथ इसमें जो एक और चीज़ स्किप की गई है, लाइक मोनोक्रोम Huawei Mate 20 Pro में नहीं दिया गया, बल्कि मोनोक्रोम को रिप्लेस कर दिया है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में। तो ये 20 MP विद F2.2 आपको मिल रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। एंड इसके साथ जो थर्ड कैमरा है वो टेलीफोटो लेंस के लिए दिया गया है, तो वो है 8 MP विद F2.4 अपर्चर, जिससे आप जो है 5x ऑप्टिकल जूम ले सकते हैं, और इसके साथ OIS का भी जो है ये फंक्शंस ऑपरेट करेगा। तो ये थे इसका बैक कैमरा, और एक आपको जो मिल रहा है वो फ्लैश लाइट के साथ दिया गया है। फ्रंट कैमरा जिसको दिया गया है वो है 24 MP, तो इसी में आपको फेशियल रिकग्निशन वाली टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जो कि यूज़ की गई है, क्योंकि आपको ऊपर बिल्कुल नॉच नज़र आ रहा है, तो नॉच के साथ ही आपको कैमरा भी मिल रहा है, और वहीं से आप अपना फेस अनलॉक भी कर सकते हैं। तो फेस अनलॉक के बारे में बताती जाऊँगी, थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। वीडियो की बात करते हैं, तो ये 4K वीडियो तक रिकॉर्ड करता है। वीडियो को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वीडियो के रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं। अगर मैं इसके बाकी कैमरा फीचर्स के बारे में बताती चलूँ, तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनोक्रोम
दिया गया है, लेकिन उसका जो लेंस है वो स्किप करके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज़ किया गया है। तो मोनोक्रोम के जिसमें अपने फीचर में रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, और इसमें स्लो मोशन भी दिया गया है। मज़े की बात यह है कि स्लो मोशन आप 960 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वेल व्यूअर्स, अब इसके बाकी सेंसर की तरफ लाइक चलते हैं। तो इसमें जो सेंसर्स हैं वो फेस आईडी आपको मिल रहा है, लेकिन 3D फेस अनलॉक आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी क्विक एंड फास्ट है। और इसमें एक और चीज़ भी है जो कि है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर सकता है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो मैंने इसमें डेमो बनाया है। वेल व्यूअर्स, अब चलते हैं एक और इसकी चार्जिंग के ऊपर अगर बात आती है, तो चार्जिंग में भी आपको बहुत सारी चेंजेस मिलेंगी। लाइक आपको इसमें मिल रहा है फास्ट चार्जिंग, और इसके साथ हुआवे सुपर चार्ज किया गया है 40 वोल्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आपका मोबाइल चार्ज करेगा, यानी कि 30 मिनट्स में आपको 70% चार्ज मिलेगा हुआवे सुपर चार्जर के साथ। एंड इसके साथ वायरलेस चार्जिंग भी इसमें दी गई है 15 वोल्ट की, तो वायरलेस चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगा। और इसमें एक और फीचर है जो कि अभी तक मैंने किसी फ्लैगशिप डिवाइस में नहीं देखा, वो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। आप सोचेंगे कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्या है, तो आपका ये हुआवे मेट 20 प्रो बिल्कुल एज अ पावर बैंक भी काम कर सकता है। अगर कोई दूसरी डिवाइस आपकी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, तो अगर आप किस बैक साइड पे अपना फ़ोन रखेंगे तो मेट 20 प्रो से आप उस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इसके साथ 4200 mAh की बैटरी दी गई है, तो बैटरी भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि 48 आवर्स तक ये आपकी बैटरी निकाल सकती है। और एक और चीज़ बताना भूल गई कि ये हुआवे मेट 20 प्रो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। IP68 के साथ ये वो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट आया है, और इसमें मेन मेन फीचर्स मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है, तो क्योंकि वो मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूँ कि उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ कि अगर आप इस फोन में नाइट शॉट्स लेंगे, तो मैंने लिए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने क्लियर हैं, इतने शार्प ब्राइट पिक्चर्स आएँ कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये रात का टाइम है, बिल्कुल आपको लगेगा कि दिन का टाइम है, इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके। वैसे इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अगर आप चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस परचेज कर रहे हैं, या आप बाकी फीचर पॉइंट से लाइक स्टोरेज वगैरह, तो इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक फुल पैकेज आपको मिल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको ये बताते चलूँ कि इसके कैमरे के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगी, ताकि उसमें तमाम फीचर जो भी इसमें हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊँ, उसके कैमरा सैम्पल्स भी दिखाऊँ, डिफरेंट जो इसमें फीचर्स हैं वो, और जो डिफरेंट लेंस दिए हुए हैं उनमें तमाम जो है कैमरा की पिक्चर्स मैंने जो है कैप्चर की हैं, तो वो आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आइडियाज़ हो मुझे शेयर कर सकते हैं। दोबारा आऊँगी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी डिवाइस के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।